दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आपका पैसा लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट हो, तो इसके लिए आपको SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आपको इस म्यूचुअल फंड की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको एक डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस म्यूचुअल फंड का सेक्टर्स एलोकेशन देख लें, ताकि हमें पता हो कि जो पैसा हम लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वह पैसा मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड का 24.4% पैसा इन्वेस्टेड है, और फाइनेंशियल सेक्टर में एक कस्टमर को बैंक द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएँ जैसे कि लोन्स और कई तरह के इंश्योरेंस जो हम लोग कराते हैं, ये सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। और अदर सेक्टर में इस फंड का 22% पैसा इन्वेस्टेड है, वहीं हेल्थ केयर में 13.7% और हेल्थ केयर में हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन्स हो या इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो कंपनियां बनाती है वो हेल्थ केयर में आती है। कंज्यूमर स्टेपल्स में इस फंड का 9.3% पैसा इन्वेस्टेड है, और कंज्यूमर स्टेपल्स में वैसी कंपनियाँ आती है जो हम लोगों की डेली लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग यूज करते हैं उसका निर्माण करती है। और भी सेक्टर्स एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पैसा किन किन सेक्टरों में जाने वाला है। अब चलिए हम लोग इस फंड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी जान लें। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, और अगर आपको नहीं पता एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड को चलाने में जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो आपसे अर्ली चार्ज किया जाता है। वहीं एग्जिट रेट की बात करें तो 0.1% है। अगर आप 30 दिन के अंदर अपना पैसा निकालते हैं इस फंड से, तो आपको 0.1% का एग्जिट रेट देना होगा। टैक्स की बात करें तो अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं, उस केस में आपको 15% का टैक्स देना होगा जितना प्रॉफिट आपने बनाया है उस पर। और वहीं अगर आप एक साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं और आपने प्रॉफिट 1 लाख रुपये से ज़्यादा का बनाया है, उस केस में आपको 10% का टैक्स देना होगा। अब चलिए हम लोग इस फंड का परफॉर्मेंस भी देख ले। तो पिछले एक सालों में इस फंड ने 16% का रिटर्न जनरेट किया है, और यहाँ पर अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं पिछले 3 सालों में इस फंड ने 27.8% का रिटर्न जनरेट किया है, और करीब 4% से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं पिछले 5 सालों के रिटर्न देखें तो 15.9% का रिटर्न जनरेट किया है, और करीब 3% से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और जब से अब फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक के रिटर्न की बात करें तो करीब 17% का रिटर्न जनरेट किया है, जो एक काफ़ी बढ़िया रिटर्न है म्यूचुअल फंड कैटेगरी से। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।